गुना मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री गुना अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का 2 दिवसीय गुना दौरे पर आए। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने पूरा करने के लिए सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता कर रहे। मध्य प्रदेश में 37 लाख लोगों को राशन मिल रहा है। प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर घोसीपुरा रसिक कॉलोनी में भी भ्रमण किया, जिसमें याकूब खान को कलेक्टर से कहकर शौचालय दिलवाया। तो वही रसिक कॉलोनी में ममता रजक के घर पहुंचे। ममता रजक के पास खाद्य पर्ची न होने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल रहा था। मंत्री जी ने तुरंत खाद्य राशन पर्ची दिलवाई। प्रभारी मंत्री द्वारा भ्रमण का समस्या नागरिकों के साथ आ रही उनको खुद ने तत्काल निराकरण किया। कुछ समस्याओं का हल करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति को राशन मिले, और आपको 37 लाख परिवारों को राशन की पात्रता पर्ची जारी की है। इस बार जो ऐसे छूटे लोग हैं उनके लिए मैंने अभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, और हम सब इसमें मैं अकेला हूँ। मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, हम सब हमारी टीम उस अंतिम व्यक्ति के राशन की व्यवस्था। पर मंत्री जी, मेरा एक प्रश्न है कि अभी मीटर जो रीडिंग लेने आ रहे हैं महीने में 3 बार आ रहे हैं, 3 बार आ जाने से जो स्थायी शुल्क है वह 3 बार लग रहा है उपभोक्ता के ऊपर। रीडिंग तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रीडिंग आपकी 10 मीटर आई, 10 आई, 20 आई, कुल मिला के टोटल। पर जो शुल्क लगता है, मीटर शुल्क है या अन्य शुल्क प्रभार है, वह 3 बार लग रहा है। ऐसा आदरणीय अगर होगा तो आप मुझे देना सुझाव जी, बिल्कुल। परंतु 3 बार का कतई ही तात्पर्य नहीं है कि 3 बार रीडिंग ले जा रही है। हम इन क्रॉस चेकिंग क्या हो रहा है, क्योंकि बिलों में जो त्रुटियाँ आई हमने क्रॉस चेकिंग का सिस्टम किया कि बिल उपभोक्ता को सही मिले। क्या होता है, त्रुटिपूर्ण तरीके से बिल जारी हो गया, वहाँ पे सामने आदमी पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, तो उसकी जानकारी के लिए हमने एक व्यवस्था की है। और ये जरूरी नहीं है व्यवस्था पूरी परमानेंट है, भाई अगर सही काम सब लाइन पर चल रहा है तो ठीक है, कहीं गड़बड़ मिलेगी तो उसका। जो लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं 1200 रुपये का मीटर रसीद कटती है चेक करने का, विद्युत मंडल में मीटर चेक कराने के लिए जो फास्ट चलना या कोई त्रुटि चेक होगा मीटर चेक। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बात आप मेरी संज्ञान में लाए, पहले मैं इसकी जानकारी ले लूँ, फिर मैं इस पर कोई टिप्पणी करूँगा। मंत्री जी, 1200 रुपये सहयोग है कि जो सिंधिया जी के साथ आए हैं या उनके समर्थक हैं वही एक दूसरे के प्रभारी मंत्री हैं, जैसे तुलसी जी ग्वालियर के, आप यहाँ के। ऐसा तो क्या नहीं, ये ये, 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 नहीं, नहीं, ये संगठन और पार्टी के मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने हमें जहाँ जिम्मेदारी दी है वहाँ हमें काम करना है। ये राजा इस तरीके से अभी मामला आ रहा, राजा महाराजाओं की जो सीमा बंधी हुई थी या रुटियाई की नदी है, ये कब तक टूटेगी मानसिक तौर से अभी तो नहीं टूटी। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी ने कभी महाराज नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को जनसेवक और उनके अंदर जनसेवा का जज्बा है, और जनसेवा करने वाले व्यक्तित्व के लिए। गुना से रणदीप चंदेल की रिपोर्ट।